दोस्तों आज की कहानी है बहू, मैं तुम्हारे साथ नहीं, मैं तो वर्धा आश्रम में रहूंगा। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। 13वीं के बाद सभी लोग जाने की तैयारी करने लगे। बेटियों ने कहा, पिताजी हम आते जाते रहेंगे, आप फिक्र ना करना। एक बेटा, बहू तो विदेश में रहने की मजबूरी बता, माँ के अंतिम संस्कार में शामिल ही नहीं हुआ। दूसरा बेटा बड़े शहर में रहता है, बहू भी नौकरी करती है, उनसे कैसे कहूँ मैं अकेला या नहीं रह पाऊँगा, मुझे तुम लोगों के साथ की जरूरत है। वो जमा ना तो रहा नहीं, जब बेटा बहू अपने माता पिता के साथ रहकर उनकी सेवा करते थे। सब आजाद पंछी है, किसी को बांध कर रखा नहीं जा सकता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं वर्धा आश्रम चला जाऊंगा। योगेंद्र तू मेरा नाम वहाँ लिखवा दो, इन सब के विदा होने ही मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा। कहते समय उनकी आँखों के कोर पूरी तरह भीग चुके थे, मगर रामनाथ एक बार अपने बेटे बहू से बात तो कर, हो सकता है तेरी सोच गलत हो। अरे क्या बात करनी है यार, तूने देखा तो है बूढ़े माँ बाप जवान बच्चों पर सिर्फ बोझ होते हैं। मान ले अभी बेमन से मुझे ले आए और कल को सुबके से मेरा सामान और मुझे एक वर्धा आश्रम में छोड़कर चले जाए, उससे बेहतर है कि मैं खुद स्वीकार कर लूं कि मैं अब किसी काम का नहीं और मेरी किसी को जरूरत नहीं। अपनी स्वेच्छा से मैं वर्धा आश्रम सऊंगा तो मुझे आत्म संतुष्टि होगी, अगर जबरदस्ती धकेला जाऊंगा तो बहुत दुख होगा। और तू क्या मुझे ज्ञान दे रहा है, तेरे भी तो 3 बेटे थे, क्या हुआ छोड़ गए ना तुझे वर्धा आश्रम। तेरी तकलीफ देखकर ही मैंने ये फैसला लिया है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। अपने जीवन साथी को तो खो दिया, कम से कम अपने प्रिय दोस्त के साथ अंत समय तक साथ निभा सकूंगा। देख मेरा फर्ज था तुझे समझाना, बाकी है तेरा जीवन है तो इसका फैसला ले। वहीं ठीक रहेगा बोल योगेंद्र जी ने फोन रख दिया। तभी उनके कमरे में शाही नाश्ता लेकर आई बहु दिव्या। बोली, बाबूजी चलिए नाश्ता कीजिए, आपको दवाई भी खानी है बेटा, रख दो जब मेरा मन होगा खा लूँगा। बोल अखबार उठा लिया बहु दिव्या ने, तुरंत उनका चश्मा आँखों से निकाल अखबार वापस तेल लगा टेबल पर रखा, प्लेट में रखा पुआ समझ से उनकी मुंह की तरफ बढ़ाया और कहा, मेरे सामने आपको नाश्ता करना पड़ेगा और दवाई भी खानी होगी, उसके बाद आप लॉन में घूमेंगे, फिर थोड़ा आराम करेंगे ताकि आपका खाना पच सके। बहू की बातें सुन रामनाथ जी हंस पड़े और बोले, अरे तुम तो बिल्कुल विमला की तरह। और सुबह सा बहू की हाथ से समझ लेकर पुआ खाने लगे, फिर दवा खाई और बोले, बहू आज तो तुम्हें सब कर दोगी, आगे तो मुझे सब देखना होगा, इसलिए तुम मेरे लिए ज़्यादा परेशान मत हो, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ बाबूजी, लगता है आपको किसी ने बताया नहीं, बच्चे बूढ़े एक समान हो जाते हैं। फिर देखिए तो आपको भी तनु मनु की तरह खाना खिलाना पड़ रहा है, आपके भी नखरे कुछ कम थोड़ी, और फिर आपका सारा सामान भी तो पैक करना। कमरे में फैला सामान समेटे हुए बोली, बहू मैं कुछ समझा नहीं, टिकट तो तुम लोगों की है ना, उसके लिए मेरा सामान क्यों पैक करना। वाह बाबूजी आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि हम लोग आपको यहाँ अकेला छोड़कर पुणे चले जाएंगे, और फिर मम्मी जी ने मुझसे वादा लिया है कि हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अरे बेटा तुम्हें इतना कह दिया, वही बहुत है, मुझ बूढ़े को ले जाओगी, वहाँ दो बच्चों के साथ परेशान हो जाओगी, फिर तुम नौकरी पर जाती हो सब कुछ कैसे देख पाओगी। यहाँ पर मेरा मकान है, इसकी देखभाल करूंगा, विमला की यादों में बसा हुआ जीवन काट लूंगा,
तुम लोग आगे रहना उतना ही काफी होगा। बाबूजी माँ जी सही कहती थी, आप कहते खुश हैं और आपके मन में कुछ और होता है। अभी थोड़ी देर पहले तो आप वृद्धा आश्रम जाने की बात कर रहे थे और अब इस घर में रहकर इस घर की देखरेख करेंगे। अचानक से अपनी बहू की मुंह से अपने दोस्त से कही गई बात सुन राम नाथ जी शक पका गए। फिर बोले, अरे ऐसी कोई बात नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत सुन लिया होगा। भला मैं क्यों वृद्धा आश्रम जाने लगा? अगर ऐसा है तो फिर ये बात आप मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलिए, यूं नजरें झुकाकर नहीं। बाबूजी आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आप हमारे लिए बेकार है, आप हमसे बोलेंगे और हम आपको मान सम्मान नहीं दे पाएंगे। अरे जिस पिता ने अपना पूरा जीवन लगा दिया अपने बच्चों को बनाने में, उसे हम बहुत समझेंगे। माना वर्तमान परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी हो गई है, लोग अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते, बुढ़ापे में उनकी सेवा नहीं करना चाहते, मगर शांत लोगों के कारण क्या सारे बच्चे एक ही तराजू में तोल दिए जाएंगे। रामनाथ जी को अपनी सोच पर गिलानी हो रही थी, फिर कुछ सोच कर बोले, बहू क्या करूं, मोबाइल टीवी न्यूज़पेपर और यही नहीं हमारे आसपास भी कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। बच्चे पैसा ले लेते हैं, फिर माँ बाप दर दर की ठोकरें खाते हैं, वृद्धाश्रम जाने को मजबूर हो जाते हैं और भी ना जाने क्या क्या वो सूप हो गए। बाबू दुनिया में कुछ भी हो रहा हो मगर आपको अपनी परवरिश पर विश्वास रखना चाहिए थे बेटे, गौरव ने कमरे में आते हुए कहा। अगर दिव्या ने आपकी सारी बातें ना सुनी होती तो शायद हम आपकी झूठी बातों में आ जाते, आपको माँ की यादों के साथ यहाँ छोड़ जाते, फिर शायद हमें आपको मिलने वृद्धाश्रम ही आना पड़ता। सी ये सोचकर ही मुझे शर्म आती है कि मुझे बनाने वाला पिता मुझ पर विश्वास नहीं रख सका। माफ करना बाबूजी, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं हूँ, बोल गौरव रोने लगा। तब रामनाथ जी ने उठकर अपने बेटे को गले लगा लिया और बोले, बेटा मैंने गलत सोचा, मुझे माफ कर, मुझे लगा तुम लोगों की अपनी लाइफ स्टाइल है, कहाँ मेरा क्या काम, मैं तो यहाँ छोटे शहर में अपने चित्र बसत काट सुखा हूँ, वहाँ बड़े शहर में कैसे एडजस्ट करूँगा, इसलिए अपने दोस्त के साथ रहने वृद्धाश्रम जा रहा था। यही सोच कर कि कम से कम कोई हंसने बोलने वाला तो होगा, जब आपके पास आपके बच्चे हैं फिर आपको इतना बड़ा फैसला लेने की जरूरत ही क्या थी। बाबूजी दोनों बेटियां भी एक एक करके कमरे में आ गई और गुस्से से बोली, माना हमने अपने ससुराल जाना है मगर हम आपकी देखभाल के लिए बारी बारी कराने का पूरा मन बना चुकी थी और साथ में ये भी सोचा था कुछ दिनों के लिए आपको अपने साथ ले जाएंगे। वह तो भला हो भाभी का जो उन्होंने आपकी मंशा हमें बता दी, आपने तो हमारा दिल ही तोड़ दिया। बाबूजी बोल रो पड़ी, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मुझे लगता था एक तुम्हारी माँ ही थी जो मेरे बारे में दिन रात सोचा करती थी, मगर मुझे पता नहीं था कि तुम लोग मेरे बारे में इतना सोचते हो। तब दिव्या फिर बोली, और बाबूजी आपको लगता है सौरभ भैया जानबूझकर नहीं आए तो सुनिए, उनका और भाभी का एक कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें भैया को पैर में फ्रैक्चर हुआ था और भाभी को भी चोटें आई हैं, दोनों ही अस्पताल में एडमिट थे इसलिए उनका यहाँ आना संभव नहीं था, मगर कुछ ही दिनों बाद उनका भारत आना होगा। वो बोल रहे थे, अगर ये बात आपको पता चली तो आप खाम का अपनी बीपी बढ़ा लेंगे, बस इसलिए ये बात आपसे छुपाई। हम सब ने मुझे अपने सभी बच्चों पर बहुत फकर है, साथ में अपनी बहू पर उससे भी ज़्यादा फकर है जिसने मुझे सारी गलत फहमियों से निजात दिलवाई। सस कहते लोग बुढ़ापे में सटिया जाते हैं मन गठंत कहानियाँ बनाते हैं, बस वही करने लगा, तुम्हारी माँ होती तो मुझे ऐसा करने से रोकती जैसा कि मेरी बहू दिव्या ने किया। किसी ने कहा है बेटियाँ माँ की परसाई होती हैं, मगर मेरी बहू तो अपनी सास की परसाई निकली।
आंखों में आंसू लिए मिस बर्जी बोले। तो बहुत दिव्या का दिल भर गया, बोली, बाबूजी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप अकेले नहीं हैं, पूरा परिवार आपके साथ है। कभी भी अपने आप को अकेला समझे तो पहले अपनी इस बेटी को याद कर लेना, कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोचना।